डॉक्टर से भी पूछे थे, बोला हड्डी तो ज्वाइंट हो गया है। नहीं, हड्डी जॉइंट तो हो गया लेकिन दर्द, वहां जहाँ ऑपरेशन किया था वहां से खून निकाला था, गंदा का खून। जी, निकाल दिया था डिब्बा में। हाँ हाँ, डिब्बा में पीछे पीछे सुई लगा के तो जी, निकाला था। निकाला था। दर्द नहीं करना चाहिए, वो खून नहीं निकालता है तो दर्द करता है, वो खून निकाल लेता है तो दर्द नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जी अच्छा, आप बैठते हैं जब खड़ा होते हैं तो सीधा से खड़ा होते हैं ना, करवट लेके खड़ा होते हैं? हेलो हाँ हेलो। जी, दूसरे डॉक्टर से कुछ पूछे थे तो बोल रहा था कि यार स्क्रू रॉड था थोड़ा, तुमको हड्डी तो ज्वाइंट हो गया है। हाँ, जॉइंट हो गया। आप जैसे खड़ा होते हैं ना, जैसे बैठते हैं चाहे वो बैठते हैं चाहे खड़ा होते हैं, तो मतलब सीधा खड़ा होते हैं ना करवट लेके, करवट लेके उठते हैं। तो करवट लेके उठते हैं तो बिल्कुल दर्द नहीं करना चाहिए। गंदा गंदा खून की कितना कितना निकाला था आपको? निकला था भाई, थोड़ा सा निकला, ज्यादा नहीं निकला था हमको। हाँ, 1 cc निकला होगा कम से कम ना। हाँ, आधा सीसी से निकला था, आधा डिब्बा निकला था ना। उसके बाद आपके कहने से खोला ने अपने आप खोल दिया था? जी, डॉक्टर अपने कहने से खोला ने वो अपने आप खोल दिया था? वो अपने खोल दिया था। ओ नहीं, वो डॉक्टर बताता है ना, जो खून नहीं निकाला है गंदा कहीं खून रह जाता है तो हमेशा के लिए दर्द पीड़ा जलन देते रहेगा वो। ना, हमको खून निकल गया था अपने आप। हाँ, तो वो गंदा जब गंदा खून निकाल देते हैं ना तो दर्द कन कन जलन पर नहीं आएगा वहाँ ऑपरेशन जगह, वो डॉक्टर उस टाइम बोलता है ये बात। मैं जो है ना चल लेता हूँ 2 किलोमीटर सुबह में, 2 किलोमीटर शाम में चल लेता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप चलने पर ज्यादा फोकस कीजिए, चल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाएगा। भाई चलते हैं, चल, डॉक्टर बोला चलने के लिए, चलने के लिए तो चलो चला करो। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ना कितना भी टाइम बता रहे हैं, हमको तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना, 1 साल में तो हड्डी जुड़ जाना चाहिए, बिल्कुल हड्डी जुड़ जाना चाहिए। हड्डी जूझ जाना चाहिए, अभी तक तो दर्द तो नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी बिल्कुल कहीं हड्डी नहीं, उसमें मांस भी नहीं जुटा होगा, इसलिए देखिए 2-4 महीना के बाद कहीं दर्द खत्म हो जाएगा। जी, हमको हमको तो एक्सरे नहीं होता है, मतलब वो सारी पीठ पीठ देखता है बस। एक्सपीरियंस डॉक्टर है, नहीं तो सर्जन डॉक्टर है। और कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ज्यादा चलने पर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वही एक्सरसाइज कीजिएगा, ऐसा नहीं जो हम यूट्यूब के अंदर ये एक्सरसाइज बता रहा है तो ये हम करके ना, आपको जो डॉक्टर बताया जो एक्सरसाइज किए हैं और जो चलने पर फोकस किए हैं वही कीजिएगा। हमको तो डॉक्टर ने बताया था एक्सरसाइज करने के लिए, अभी तक एक्सरसाइज हम कहाँ करते हैं। तो ऑपरेशन ऑपरेशन स्क्रू प्लाट लगा तो लगा हुआ था आपका, जी, अभी भी लगा हुआ है। तो उस टाइम पैर में सेंसेशन था? जी, हल्का मतलब उसमें पैर कमजोर हो गया था हमको। जी ओ, पैर में मैं उंगली फड़का लेते थे उस टाइम? जी सब चीज कर लेते थे, चल भी लेते, उस टाइम भी हम चलते थे। तो मतलब आपका पैर का सेंसेशन नहीं गया था? नहीं, बच गया था, हमको बोल रहा था डॉक्टर तुम बच गए। हाँ, इसलिए इसलिए नहीं। तो आप ज्यादा चलने पर फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कहीं खत्म हो जाएगा। चलेंगे, ज्यादा चलेंगे तो जरूरत नहीं ना, मतलब स्कूल वर्क को जोड़ते ना, बड़ा कुछ नहीं ना होगा। नहीं, ज्यादा ज्यादा चलना नहीं, लगातार नहीं चलिएगा, 10 मिनट चलें, आधा घंटा चलें, उसके बाद फिर बैठ जाइए, वही चलते फिर हैं। पानी उनी पी लीजिए, उसके बाद लगातार 2 घंटा 3 घंटा चलिएगा, दर्द करेगा, नॉर्मल भाई को दर्द करने लगता है। नहीं, हम देखिए आधा घंटा चलते हैं, फिर आधा घंटा बैठ जाते हैं फर्श पर। जी हाँ, आप आधा घंटा चलते ना उससे कम ही चलिएगा, मतलब ज्यादा रेस्ट लीजिएगा, क्योंकि नहीं, तो हमको तो कहीं देखिए नॉर्मल भाई कहीं खड़ा होके बात करता है ना तो उसको कमर धर लेता है, उसको दर्द करने लगता है, तो हम लोग तो पेशेंट है। हमको हमारा हड्डी जो है ना टूट के। हाँ, तो मतलब मेरा मेरा बात का कहने का मतलब समझा रहे हैं आप, उतना उतना चल रहे हैं लगातार, तो नॉर्मल भाई कहीं खड़ा होके बात करता है ना तो बोलता है कमर मेरा दुखने लगा, कमर उसको दुखने लगा नॉर्मल भाई को, तो हम लोग पेशेंट है ना, जी पेशेंट तो है। तो जी इसलिए ज्यादा ज्यादा चलिएगा नहीं, रेस्ट भी लीजिएगा, बैठ जाइएगा कुर्सी पर, वहीं बैठ जाइएगा, फिर रेस्ट लेके फिर चलना है। मतलब
मतलब हम भारी काम नहीं कर सकते जिंदगी में नहीं गुजारा क्या? नहीं नहीं भारी काम कीजिएगा, अभी नहीं कर पाइएगा। आप साइकिलिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं, वो कीजिए, वो आपका ज्यादा नस जगाएगा। हम साइकिलिंग कहाँ करते हैं? ना साइकिलिंग चलाइए, साइकिलिंग एक्सरसाइज कीजिए। आप चलते हैं कि नहीं आप? नहीं हम तो क्लीपर लगा के चल रहे हैं, अभी कहाँ चल पा रहे हैं। 12 साल छगड़िया देखी। कितना साल हो गया आपको इंजरी को? 12 साल। 12 साल तो ठीक नहीं हुआ अभी तक? नहीं 12 साल हम कुछ नहीं किया, अभी हम चालू किए हैं। कितना लेट हो गया मतलब साला ये अड्डी करने का जिंदगी झंड जाता है ना? नहीं जिंदगी नहीं, इसमें देखिए थोड़ा दिक्कत होता है तो मर भी नहीं सकते है ना। नहीं, तो ऐसा बोलने से दी थोड़ी होगा, इससे ज्यादा बीमारी वाला ज्यादा ऐसा वाला पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरा रिकवरी आ जाएगा। मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो गया था 5 साल पहले। हाँ 5 साल पहले हो गया था, हम उसी पर काम करते थे। हाँ तो फिर हमको यहाँ का डॉक्टर बोलता था दवाई से ठीक हो जाएगा, नहीं हो पा रहा दिल्ली जाना पड़ा। हाँ तब जाके वहाँ ऑपरेशन करना पड़ा, बोला ऑपरेशन होगा तभी जाके ठीक होगा। मैं पहले भी काम करता था। क्या चीज का काम करते थे आप? साइकिल ठीक करते थे, साइकिल बनाते थे। जी। तो कितना दिन दवाई खा के काम करेंगे? सर्जरी करवा लेते तो कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नहीं ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भरोसा कीजिए। थोड़ा भरोसा रखिए, हो जाएगा ठीक। हेलो हेलो रोड स्क्रू दर्द होता है कि नहीं? हाँ दर्द होता है रोड स्क्रू? हाँ थोड़ा होता है नीलो, थोड़ा थोड़ा होता है। अरे वो आकर से चल लेते हैं? आकर अभी चलती नहीं, अभी खड़ी होती है। और कौन सा लेवल आपका? लेवल नहीं बताया था मुझको। हाँ गले के नीचे हुआ था, गले के नीचे। गले के नीचे ठीक है, ठीक हुआ था। ठीक है केट हाउस ग्रुप लगा हुआ चार ठो ना? चार। ठीक है देख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है